हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन के बारे में और जानेंगे इसकी क्या टेक्निक्स हैं, क्या एडवांटेज हैं और क्या नेचर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर जुडिशियल सिस्टम की अगर हम करंट टाइम पे बात करें तो जुडिशियल सिस्टम पर इतना ज्यादा बर्डन है, इतना ज्यादा बोझ है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इतने सारे केसेस हैं। आपका अगर देखेंगे, अगर आप कोर्ट्स में देखोगे तो इतने सारे केसेस ऑलरेडी पेंडिंग में पड़े हुए हैं और नए आए जा रहे हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड। इतना ज्यादा बर्डन हो गया है जुडिशियल सिस्टम के ऊपर के उसके लिए मतलब पॉसिबल नहीं रहा है कि वो इतने सारे केसों को रिजोल्व कर पाए। प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है कि जो लिटिगेशन है, जो मुकदमे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन। खाली सिर्फ प्रॉब्लम यही नहीं है, बल्कि अगर दूसरी प्रॉब्लम भी देखी जाए तो जुडिशियल प्रोसेस जो है, अगर देखा होगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है कि ये प्रोसीजर ओरिएंटेड है, मतलब कि इसमें प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, तब प्रोसीजर मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें प्रोसीडिंग चलती है। इस वजह से अगर देखा जाए तो मतलब डिले होना तो है, लाजमी है, जरूरी है। इसलिए आज अगर हम आज के टाइम पे देखें, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो आपका पूरी तरह से सक्षम नहीं है कि वो इस चीज को मतलब कि इन जो इंक्रीज हो जा रहे हैं दिन पे दिन और जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको, केसों को रिजोल्व कर पाए, उनको खत्म हो पाए वो केस। इन सब की वजह से ही जो जरूरत पड़ी, ऐसे चीज की जरूरत पड़ी कि ऐसी चीज कोई होनी चाहिए, ऐसा कोई नया प्रोसीजर होना चाहिए जो कि इतना ज्यादा टाइम टेकिंग ना हो, इतना टाइम कंज्यूमिंग ना हो, उसमें इतना ज्यादा प्रोसीजर फॉलो ना करने पड़े, उसकी कॉस्ट जो है उसमें भी वो कॉस्ट इफेक्टिव हो। वो कोई ऐसा प्रोसीजर बनाया जाए जिससे कि जो डिस्प्यूट्स हैं वो इस तरीके से सेटल हो पाए, ज्यादा टाइम ना लें और जल्दी आपको लोगों को जस्टिस मिल पाए। तो इस नए प्रोसीजर का नाम ही जो डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए यूज किया जाता है, इसको ही आपका एडीआर कहा जाता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन। देखिए, जैसे इसके नाम से ही आपका पता चल रहा है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन। तो अल्टरनेटिव मतलब विकल्प को, दूसरा आपका सब्स्टिट्यूट, मतलब कि ये नहीं इसकी जगह दूसरा आपका यूज किया जाए डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए। एडीआर जो सिस्टम है, ये जो प्रोसीजर है, ये आपका एकदम जुडिशियल प्रोसेस से एकदम डिफरेंट है, आपका अलग है। एडीआर जो है, ये आपका अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक न्यूट्रल पार्टी होती है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है जो कि हेल्प करती है पार्टीज को जिनके अंदर डिस्प्यूट चल रहा है, उन पार्टीज को जो हेल्प करती है, मदद करती है डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए। जबकि जो पार्टीज होती हैं वो अपनी ही चॉइस से जो है डिसाइड करती हैं वो केस को, जो भी डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को अपनी ही मर्जी से, अपनी ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही वो जो है उस डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जाता है। सिर्फ उसका थर्ड न्यूट्रल पार्टी जो है उसका ये काम होता है कि वो सिर्फ उनको असिस्ट करती है, हेल्प करती है। न्यूट्रल पार्टी थर्ड पार्टी होती है, थर्ड पर्सन होता है, उसको इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो एक तरीके से इस टाइप के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनमें काफी फैमिलियर होता है, उसको काफी नॉलेज होती है, तो वो एक तरह से सजेशन भी प्रोवाइड करता है। वो देखता है, अगर वो पर पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो माने ना माने, तो पार्टी ही अपनी आपसी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो डिसीजन लेती है उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए। एडीआर में आपका आज जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, इसमें एक अच्छी चीज ये है कि जो प्रोसीडिंग होती है वो इनफॉर्मल प्रोसीडिंग होती है, कोई ऐसा प्रोसीजर भी जो है फॉलो नहीं करना पड़ता है और जो भी बातें होती हैं, जो भी सारी चीजें होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। और जो आपका जो एक्सपेंसिस अगर बात करें तो एक्सपेंसिस भी बहुत कम आपके होते हैं, इसमें कॉस्ट भी कम लगती है। तो एडीआर की अगर बात करें तो एडीआर जो है आपका सिर्फ डिस्प्यूट को ही रिजोल्व नहीं करता, बल्कि जो पार्टीज हैं उनके रिलेशन में अगर किसी तरह का कोई आपका मतलब कि नाचाकी है या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को भी दूर करता है एडीआर। जो देखिए, एडीआर की अगर बात करें तो एडीआर आपका दो फॉर्म में पढ़ा जाता है, एक वाइडर सेंस में पढ़ा जाता है, एक नैरो सेंस में पढ़ा जाता है। अगर वाइडर सेंस की बात करें सबसे पहले, तो वाइडर सेंस में आपका जो है जो आर्बिट्रेशन है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि अगर बात करें जो आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन भी एक तरह से अल्टरनेटिव ऑप्शन है किसका, जुडिशियल कोर्ट, जुडिशियल सिस्टम का। क्योंकि अगर जुडिशियरी में आप जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, तो उससे एक अल्टरनेटिव दूसरा सिस्टम है, दूसरा पहलू है आपका क्या, आर्बिट्रेशन, आप वहां पर जा सकते हैं। तो इसलिए वाइडर सेंस में जो है जो आर्बिट्रेशन है इसको भी इंक्लूड किया गया है एडीआर में, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन के अंदर। अगर नैरो सेंस की बात करें तो नैरो सेंस में आपका इसको नहीं लिया जाता है, मतलब कि जो आर्बिट्रेशन है इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है इसके अंदर, इसको एक्सक्लूड किया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है इसके अंदर से। क्योंकि रीजन यही है, अगर देखा जाए आर्बिट्रेशन जो है ये भी एक तरह से जो जुडिशियल प्रोसीजर है उसकी तरह है, क्योंकि इसमें भी जो आर्बिट्रेटर है उसके द्वारा जो है फाइनल डिसीजन लिया जाता है, जो जजमेंट वो सुनाया जाता है, डिसीजन सुनाया जाता है, अवार्ड दिया जाता है।
पार्टीज उसके लिए बाउंड होती हैं, चाहे पार्टी की कंसेंट हो या ना हो। तो इसलिए नैरो सेंस में एडीआर में आर्बिट्रेशन जो है इंक्लूड नहीं किया जाता, नहीं जोड़ा जाता। अगर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन की बात करें तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन में जो आपका जो भी अगर किसी तरह का डिस्प्यूट है वो एक तरीके से एमिकेबल तरीके से मतलब कि सेटल किया जाता है, मतलब कि फ्रेंडली तरीके से, जिसमें कि जो पार्टीज होती हैं जिनके अंदर डिस्प्यूट होता है वो खुद आपसी सहमति से अपनी मर्जी से जो भी जिस चीज के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर भी वो एग्री होती है उस हिसाब से वो डिस्प्यूट रिजोल्व करती है। तो जो अगर बात करें एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में क्या क्या आते हैं, नेगोशिएशन, मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन, तो ये सारे एक तरह से पार्ट हैं किसके, एडीआर के। तो एडीआर सिस्टम में जो है ये सारी चीजें जो है ये सारे आप कह सकते हो यूज किए जाते हैं किसी भी डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए। तो आप अगर एडीआर को एक तरह से एमिकेबल सेटलमेंट भी कह सकते हो, मतलब फ्रेंडली सेटलमेंट भी कहा जा सकता है, जिसमें क्या होता है कि जो पार्टीज होती हैं वो बुलाई जाती हैं, वो आपस में नेगोशिएट करती हैं, कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उनके बीच में वो आइडेंटिफाई की जाती है, फैक्ट्स देखे जाते हैं क्या फैक्ट्स हैं, जो इश्यू हैं उनको क्लियर किया जाता है, उनको ओपिनियन दी जाती है कि किस तरीके से मतलब कि एडवाइस आप कह सकते हो या फिर सजेशन कह सकते हो वो दी जाती है किस तरह से वो डिस्प्यूट को सेटल करें। और अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में वो जो है डिस्प्यूट को सेटल किया जाता है और एक एग्रीमेंट आपका हो जाता है जिसको कहा जाता है सेटलमेंट एग्रीमेंट। तो अब शॉर्ट में देखेंगे जो एडीआर सिस्टम है उसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं जो यूज की जाती हैं। तो इसमें नेगोशिएशन है, मीडिएशन, कॉन्सिलेशन है आपका, आर्बिट्रेशन भी इसके अंदर आता है, मिनी ट्रायल आता है, और इसमें आर्बिट्रेशन मैंने आपको बता दिया है, और फास्ट ट्रैक। तो फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन ये इसके जो है सारी टेक्निक्स हैं जो यूज की जाती हैं किसके अंदर, एडीआर सिस्टम के अंदर। थोड़ा थोड़ा बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं उनके बारे में। नेगोशिएशन में जैसे आपको पता है कि आपसी सहमत करने में दोनों पार्टियां चाहती हैं आपस में, वो उसको बुलाती है और आपस में बैठती हैं और समझौता किया जाता है जो भी है, तो उसको जो भी होगा वो नेगोशिएट सेटलमेंट कहा जाएगा, जो भी जो एंड में सेटलमेंट होता है उनके बीच में सब समझौता हो जाता है। जो अगर मीडिएशन की बात करें तो मीडिएशन में ये आपका नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर होता है, मतलब कि जो पार्टीज होती हैं वो बाइंड नहीं होती हैं एक दूसरे, इसमें क्या होता है एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन होता है, पार्टी होता है जो एक तरह से असिस्ट करता है, एक तरह से हेल्प करता है, मदद करता है जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज है उनकी कि वो आपसी सहमति से जो डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व कर ले, उसको सेटल कर ले। मीडिएशन में आपका जो मेडिएटर होता है जो मतलब दोनों पार्टीज को लाता है, तो देखा जाए तो इतना ज्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है उसका जितना कि कॉन्सिलिएशन के अंदर होता है आपका कॉन्सिलिएटर का, तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मतलब न्यूट्रल थर्ड पार्टी है जितना कॉन्सिलिएटर का होता है मतलब कॉन्सिलिएशन में, तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट उसका जो है रोल नहीं होता है उसका, सिर्फ मोटिव मतलब ज्यादातर मेन यही होता है कि जो पार्टीज को एक तरह से वो इकट्ठा करके लाए ताकि उनमें से आपस में बात हो सके, समझौता हो सके, डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो सके। कॉन्सिलिएशन की अगर बात करें तो कॉन्सिलिएशन में होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को इनविटेशन देती है कॉन्सिलिएशन के लिए कि वो आपका जो है उसकी डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है उसमें डिस्प्यूट के बारे में थोड़ा लिखेगी जो इनविटेशन दिया जाएगा। अगर जो दूसरी पार्टी एग्री हो कर सकती है उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट करेगी तो कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग आपकी स्टार्ट नहीं होगी, अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है दूसरी पार्टी रिटर्न में तो उस केस में आपका जो है कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, एक कॉन्सिलिएटर आपका जो है मतलब जो थर्ड न्यूट्रल पार्टी कह सकते हो आप वो आपकी अपॉइंट की जाएगी और उसके फिर वो आपका जो है उनके अंदर जो भी डिस्प्यूट है वो जो पार्टी होगी वो असिस्ट करेगी, इनको मदद करेगी और सजेशन प्रोवाइड करेगी। मतलब यहाँ पर जो आपका जो थर्ड पार्टी है न्यूट्रल पार्टी है मतलब जो कॉन्सिलिएटर है उसका रोल ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर देखा जाए आपका मीडिएशन से ज्यादा, वहां पर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, यहाँ पर वो सजेशन भी प्रोवाइड करेगी उनको। मिनी ट्रायल की अगर बात करें तो मिनी ट्रायल जो है ये भी आपका नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर है जिसमें जो डिस्प्यूटिंग पार्टी है वो अपने जो भी उनका केस है वो उसको एक तरह से प्रेजेंट किया जाता है उनके द्वारा उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव जो है उनसे पहले, तो उनके पास केस पहुंचने से पहले ही जो है वो अपना जो डिस्प्यूट जो है मतलब जो भी केस है उनका वो प्रेजेंट करती है किसी न्यूट्रल थर्ड पार्टी को प्रेजेंट करती है ताकि एमिकेबल तरीके से जो है सेटलमेंट हो सके डिस्प्यूट का। आर्बिट्रेशन की अगर बात करें तो आर्बिट्रेशन के बारे में तो आर्बिट्रेशन में यही होता है कि जो पार्टीज होती हैं वो एक एग्रीमेंट पहले से तैयार करती हैं और एग्रीमेंट में अगर वो डिस्प्यूट लिखती है कोई सर्टेन डिस्प्यूट हो या फिर कोई भी मतलब उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो ये भी हो सकता है तो वो आपका आर्बिट्रेशन के पास जाएंगी, जो आर्बिट्रेटर है वो उस चीज के ऊपर जो है डिसीजन लेगा और जो आर्बिट्रेटर के द्वारा जो डिसीजन जो जजमेंट लिया जाएगा वो एक तरह से अवार्ड की फॉर्म में होगा और जो कि जो डिस्प्यूट होंगी जो पार्टीज होंगी वो बाइंडिंग होंगी मतलब बाइंड होंगी। तो ये एक तरह से जो आर्बिट्रेशन है ये बाइंडिंग प्रोसीजर है।
फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन की अगर बात करें तो फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन जो है ये भी बाइंडिंग प्रोसीजर है। अगर देखा जाए तो आर्बिट्रेशन और फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन जो है एक तरह से फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन फास्ट ट्रैक जो सॉरी जो आर्बिट्रेशन उसका ही एक तरह से बदला रूप है, उसका आप कह सकते हो कि न्यू वर्जन है। फास्ट ट्रैक ट्रैक आर्बिट्रेशन में क्या है कि मतलब कि जो आर्बिट्रेशन में जितना टाइम लगता है उससे कहीं मतलब ज्यादा टाइम ज्यादा जल्दी कोशिश की जाती है कि जल्दी जो डिस्प्यूट जो है वो सेटल किया जा सके कम टाइम में। अब बात करते हैं नेचर्स की कि जो एडीआर टेक्निक्स हैं उनके क्या नेचर है, नेचर के बारे में बात करें तो अगर देखा जाए इसमें जो एडीआर सिस्टम है आपका या फिर जो एडीआर टेक्निक्स जो यूज की जाती हैं डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए तो ज्यादातर ये उन उस टाइप के जो डिस्प्यूट्स होते हैं मतलब जिसमें आपका किस तरह से कॉम्प्रोमाइज हो सके समझौता हो सके तो उस टाइप के डिस्प्यूट से आपका ये रिलेटेड होते हैं। और इसमें अगर देखा जाए ये सिर्फ आपका कॉमर्शियल से नहीं मतलब कि जो दूसरे आपके चीजें हैं उनमें से भी आप उनसे भी रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो भी आपका जो एडीआर टेक्निक है वो यूज अपनाई मतलब कि यूज की जा सकती है अपनाई जा सकती है उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए। इसमें सिविल का मामला हो कॉमर्शियल का मामला हो कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो कोई या फैमिली का कोई डिस्प्यूट हो कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है बैंकिंग से रिलेटेड या कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आपका डिस्प्यूट है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका ज्वाइंट वेंचर पार्टनरशिप पर्सनल इंजरी प्रोडक्ट लायबिलिटीज प्रोफेशनल लायबिलिटीज रियल एस्टेट सिक्योरिटीज मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो ये काफी हद तक जिसमें आपका जो है मतलब कि कह सकते हो कि आप में जिसमें कॉम्प्रोमाइज हो सके या जो ऐसे तो उसके लिए जो आपका एडीआर टेक्निक्स हैं वो यूज की जा सकती हैं जो एडीआर सिस्टम है वो यूज किया जा सकता है उस डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए। तो ये सारी टेक्निक्स जो हैं एक तरीके से किसी पर्सन को या मतलब कि जो भी आपका पार्टीज है उनको एक नई आप कह सकते हो नया ऑप्शन या फिर अलग अल्टरनेटिव ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं कि वो अपने उस मुकदमे को वहां पर दायर कर सके और जल्दी उनकी सुनवाई कर सके या फिर जो अमिकेबल तरीके से उन डिस्प्यूट को सेटल कर सके। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एडीआर सिस्टम के फायदे के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर एडवांटेज की बात करें तो इसकी सबसे पहली एडवांटेज यही है कि जो एडीआर सिस्टम है ये कभी भी मतलब कि इनिशिएट किया जा सकता है किसी भी स्टेज में आपका अगर केस हो तो आप इनिशिएट किया जा सकता है। मतलब सपोज कहने का मतलब यह है कि सपोज करिए कि अगर जो आपका केस है वो कहीं पर पेंडिंग भी है चल भी रहा है तो उस टाइम पर भी उस मतलब उस वक्त भी आप जो है एडीआर की जो टेक्निक्स हैं या फिर एडीआर को अपना सकते हैं एडीआर सिस्टम को जो है चूज कर सकते हैं अपने डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए। जैसे जो डिस्प्यूटिंग पार्टी है एग्री हो जाती है किसी भी तरह से कि हम जो है कोर्ट में ना करके यहाँ पर एडीआर सिस्टम को इस किसी भी जो टेक्निक्स है वो अपनाते हैं अपने डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए तो वहीं से वो आपका वो उसके लिए जा सकते हैं और वहीं से वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरी एडवांटेज ये है कि एडीआर सिस्टम है ये आपका बहुत मतलब कम कॉस्ट आती है इसमें और कम टाइम लगता है क्योंकि देखिए अगर कोर्ट में जाए या फिर जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें जाया जाए तो उसमें क्या होता है कि एक लंबा टाइम लग जाता है क्योंकि वो प्रोसीजर पूरा फॉलो करेगा तो प्रोसीजर फॉलो करने में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है जिसकी वजह से जो कॉस्ट है वो भी आपका ज्यादा लगती है। पर इसमें अगर देखा जाए तो इसमें इतने ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती है उतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगती है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एक जो न्यूट्रल पार्टी है वो अपॉइंट करनी है। कभी कभी तो इसमें आपका जो बहुत से केस ऐसे होते हैं कि जहां पर आपको लॉयर की भी एडवोकेट को भी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है तो आप जो है खुद अब क्योंकि यहाँ पर जो एग्री जो डिस्प्यूट जो सेटल किया जाता है वो अपनी आपसी सहमति से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही आपका यहाँ पर डिस्प्यूट सेटल किया जाता है। तो इसलिए जो ये जो है कॉस्ट इफेक्टिव है मतलब बहुत कम कॉस्ट लगती है और जो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। देखिए एडीआर सिस्टम में अगर बात करें तो इसका जो सिस्टम है ये एक तरह से जो प्रोसीजर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है जो कोर्ट को अडॉप्ट करना पड़ता है जो कि चेंज नहीं किया जा सकता जो कि कोर्ट को फॉलो करना ही करना पड़ता है। जबकि अगर बात करें एडीआर सिस्टम अगर कोई एडीआर टेक्निक आप अपनाते हो जैसे कंसिलेशन मीडिएशन या मतलब कि जो आपको मैंने मिनी ट्रायल जो आपको ये बताइए सारी चीज तो उनमें से कोई भी चीज आप अपनाते हो तो उस केस में आपको कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको प्रोसीजर फॉलो करना है तो प्रोसीजर क्योंकि जो यहाँ पर जो पार्टीज होती हैं वो अपनी आपसी सहमति से म्यूचुअल कंसेंट से जो पार्टीज होती है वो डिस्प्यूट सेटल करती हैं तो इस वजह से जो पार्टीज हैं उनकी इच्छा के अनुसार उनकी विल के अनुसार जो है मतलब कि जो प्रोसीजर है वो चेंज किया जा सकता है। तो इसलिए जो प्रोसीजर होता है जो आपका सिस्टम होता है यहाँ पर वो फ्लेक्सिबल होता है।
देखिए एडीआर जो सिस्टम है वो विद या फिर विदाउट लॉयर के भी यूज किया जा सकता है। मतलब कि बहुत से केसेस में आपको बता कि ऐसे केस है कि जहां पर लॉयर की जरूरत भी नहीं है आपको, मतलब कि अगर आप पार्टी समझती है कि लॉयर की जरूरत नहीं है तो आपका वो ऐसे भी कर सकती है। पर अगर देखा जाए तो लॉयर का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि किस तरीके से या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्या वीक पॉइंट है केस के, तो लॉयर उसके बारे में ज्यादा जानता है। तो इसलिए बेटर है कि अगर लॉयर है मतलब कि वो अपॉइंट किया जाए या लॉयर यूज किया जाए तो वो ज्यादा बेटर है, वरना ये पार्टी के ऊपर ही डिपेंड होगा। पार्टी की डिस्क्रिशनरी पावर है, वो ही आपका डिपेंड करेगी उनके डिजायर के ऊपर है पार्टी की कि वो लॉयर अपॉइंट करें या ना करें। एडीआर की एक एडीआर सिस्टम की एक बहुत ही मतलब कि अच्छी एडवांटेज जो है ये भी है, बहुत पॉजिटिव चीज ये भी है कि जो कोर्ट्स हैं एडीआर सिस्टम की वजह से उन कोर्ट्स पे जो बर्डन है लिटिगेशन का जो बर्डन था डे बाय डे बढ़ रहा था तो वो एक तरह से रिड्यूस हो गया है, थोड़ा वर्कलोड उनका कम हो रहा है इसकी वजह से एडीआर सिस्टम की वजह से, क्योंकि जो पार्टीज हैं वो अब एडीआर सिस्टम को फॉलो करने लगी हैं अपने डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए। जो एडीआर सिस्टम की अगर बात करें तो एडीआर सिस्टम में एक ये एडवांटेज भी है कि जो पार्टीज होती हैं जिसके अंदर डिस्प्यूट होता है तो वो पार्टी जो न्यूट्रल स्पेशलिस्ट होता है या न्यूट्रल जो थर्ड पार्टी होती है उसको चूज कर सकती हैं खुद भी अपनी मर्जी से, जैसे आर्बिट्रेशन या मतलब किसी कॉन्सिलेशन में भी उसमें आपका वो पहले से डिसाइड कर सकती है कि मतलब कि ये पर्सन जो है इस टाइप का पर्सन आपका होना चाहिए, उसकी ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब प्रोसीजर वो बना सकती है कुछ भी ऐसा, और उसके अकॉर्डिंग ही जो वो आपका जो आर्बिट्रेटर है या फिर आपका जो कंसिलेटर या फिर जो आप कह सकते हो कि जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी है जो हेल्प करती है असिस्ट करती है तो वो उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट की जा सकती है अपॉइंट की जा सकती है। तो आई थिंक आपको जो वीडियो है ये इनके कंसेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं।